वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट 1 11th चैप्टर है, वो चैप्टर का आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 to 10 के वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। चैप्टर 5th तक आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1A है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड री राइट द कम्प्लीट स्टेटमेंट। फर्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना डैश स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री, दिस मिनिस्ट्री, तो आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है वो। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीमेंट रीचेस एट द जिनेवा कॉन्फ्रेंस इज डैश एज एन एग्रीमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पोखरण वेयर द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन द स्टेट, पोखरण कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। और इन्होंने जो है यहाँ पर दिया ही नहीं है ऑप्शन, तो आप यहाँ पर पोखरण का आंसर लिखेंगे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड डैश इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है स्वीडन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे, ठीक है, नेशनल यूथ डे इज द राइट आंसर, नेशनल यूथ डे इज द राइट आंसर। इंडिया लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट, तो यहाँ पे आपका आंसर है इटाली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट दी रॉन्ग पेयर इन ग्रुप बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपको अन्ना हजारे स्किल डेवलपमेंट एक्ट को कट करना है और आपको लिखना है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो अन्ना हजारे गुजरात करप्शन मूवमेंट, यहाँ पे कट करना है आपको, लिखना है महाराष्ट्र, ये आपको कट करना है और ये लिखना है आपको महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर आपको जो थर्ड दिख रहा है ना, पुणे इंडिया इंग्लैंड, यहाँ पर ये कट करना है आपको और लिखना है इंडो श्रीलंकन, इंडो श्रीलंकन आर्मी, ठीक है, ये थर्ड वन पुणे है, इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस पर्सन इवेंट्स। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का आंसर मैं आपको लिखकर स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, फर्स्ट का आंसर है GATT, ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ये। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, सेकेंड वन का आंसर द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर इन एशिया, तो यहाँ पे आपका आंसर मैं लिखकर बता रही हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर है। थर्ड वन क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड वन क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मेट्रो सर्विसेज इन इंडिया, मेट्रो सर्विस इन इंडिया पूछा गया है यहाँ पर, तो आपको फर्स्ट लिखना है, इंडिया के अंदर पूछा है, देखो फर्स्ट मेट्रो सर्विस इन इंडिया, तो आपको लिखना है कोलकाता, ठीक है, आपका आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो यहाँ पर आपका आंसर है
फोर्थ वन का देखिए, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, ठीक है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। फिफ्थ वन हाईवेज कनेक्टिंग दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, तो इसका आंसर है, फिफ्थ वन का आंसर है देखिए फिफ्थ वन का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सिक्स्थ वन, नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ अरिहंत क्लास, इसका भी आंसर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ वन, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हूज बर्थडे, तो आपको लिखना है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन रीजन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इंडिया एक्सेप्टेड द मेंबरशिप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया वांटेड टू अडॉप्ट अ फ्री इकोनॉमी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड वन जो सी वाला है, इंडिया वांटेड टू अडॉप्ट अ फ्री इकोनॉमी, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया कंडक्ट अ न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण, रीजन क्या था, रीज़न है वी वांटेड टू प्रूव अवर न्यूक्लियर पावर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ द सॉफ्टवेयर सेक्टर इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स लिखना है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे सारे के सारे आंसर्स, आप स्क्रीन पर देखकर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं कंसेप्ट मैप, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपको लिखना है 2000, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है। अब नेक्स्ट थर्ड वन जो कॉलम यहाँ पर दिया गया है, देखो ये वाला जो कॉलम है इसमें हमें लिखना है उत्तराखंड, ठीक है, ये देखो ये वाला जो कॉलम है ना, मैंने ये सर्कल किया है, यहाँ पर लिखना है आपको उत्तराखंड। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है 2014। एग्रीकल्चर स्कीम्स इन इंडिया, तो आपको एग्रीकल्चरल स्कीम्स इन इंडिया फर्स्ट आपको लिखनी है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर है कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना, ये सारी की सारी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी, आपको चारों की चारों जो स्कीम्स हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना है और आपका कंसेप्ट मैप हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो है यहाँ पर इंडिया लॉन्चेस सैटेलाइट ऑन कमर्शियल बेसिस, तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं अर्जेंटीना, बेल्जियम, इंडोनेशिया, जर्मनी, इटाली, इंडोनेशिया, ये सारे कॉलम में आपको लिखने हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप सारे लिख सकते हैं नाम, अर्जेंटीना, बेल्जियम, इंडोनेशिया, जर्मनी, और आपका यहाँ पर कंसेप्ट मैप हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर आपको सर्कल इंक्लूडेड इन दी क्वाड्रेंट प्लान आपको बताना है, सिटीज़ कौन सी नेक्स्ट जो कंसेप्ट मैप दिया गया है आपको वहाँ पर लिखा है सिटीज़ इंक्लूडेड इन द
क्वाड ट्रायंगल प्लान, कौन सी सिटीज़ इंक्लूडेड थी क्वाड ट्रायंगल प्लान के अंदर। तो फर्स्ट आपको लिखना है दिल्ली, नेक्स्ट है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चारों कॉलम में एक एक सिटी का नाम लिखना है आपको। फर्स्ट कॉलम में लिखना है दिल्ली, नेक्स्ट में लिखना है कोलकाता। देखो यहाँ पर लिखना है आपको दिल्ली, यहाँ पे आप कोलकाता लिख सकते हैं, मुंबई जहाँ पे हम सब रहते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं चेन्नई। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट मैप हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।